नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने जैसा कि अपने हमारे सारी पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अभी हाल ही में फेमस हो रहे एक्टर्स, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर्स, ये जो सचेत, टंडन और परंपरा हैं, इनकी फुल स्टोरी, इनके लाइफ स्टाइल, इनकी स्टोरी, इनकी गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, पेरेंट्स और इनकी एजुकेशन, इनकी एफर्ट्स, इनकी मेहनत और इनका करियर, मैं जीरो से लेके एकदम लास्ट तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिए और प्लीज़ ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम देखते हैं इनकी इस इनकी लाइफ स्टाइल और करियर के बारे में। तो थैंक यू। हम पहले बात करते हैं सचेत टंडन के बारे में। तो देखा जाए तो सचेत टंडन का जो जन्म हुआ था, और वो इनका सचेत टंडन जी का जो जन्म हुआ था वो थर्सडे के दिन 17 अगस्त 1989 ईस्वी को लखनऊ के में हुआ था, यानी कि हमारी नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। और ये काफ़ी मेहनती प्रवृत्ति के बताया जा रहा कि बचपन से ही थे, और इनका गानों में काफ़ी शौक था, और ये हर तरीके से एक फिट आदमी थे। इन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी फैंसी, और उस तरीके से किसी गरीब परिवार में इन्होंने जन्म नहीं लिया था, अच्छे फैमिली से ये थे। इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, और इनकी अगर देखा जाए फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए तो ये इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच इनकी हाइट है, और इनकी अच्छी सी एक फैमिली थी, माता पिता और इनके बाकी जो सिबलिंग्स वगैरह थे। और इन्होंने जब अपनी म्यूजिक फैमिली में, यानी कि म्यूजिक के करियर में, इन्होंने काफ़ी पहले जब से समझदार हुए या समझना स्टार्ट किए, तब से इन्होंने अपने करियर में म्यूजिक अपने करियर को म्यूजिक के रूप में चुना था। लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे लोग या फिर पब्लिक से सोचती है कि जब कोई एक्टर या फिर म्यूजिक या सिंगर कोई फेमस होता है तो उन्हें लगता है कि इनकी जो मेहनत है वो आज ही की है और आज ये फेमस हुए हैं, ये एक नया एक्टर से नहीं। हर व्यक्ति के फेमस होने या फिर उनके करियर बनने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, बहुत बड़ी एफर्ट होती है और बहुत टाइम लगता है। वैसे उसी प्रकार सचेत टनर और परंपरा, इनकी भी मेहनत बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, लगभग 2008-09 से चलती आ रही है, और फेमस भी ये बीच में कई बार हो चुके हैं। और इस समय इनके जो नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये काफ़ी धूम मचा रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल और पब्लिक के बीच में। तो हम बात करते हैं इनके करियर के बारे में, सचेत टंडन जी के बारे में। तो इनका जो यूजुअली इनकी पर्सनली जो करियर था, जो इन्होंने पढ़ाई की है, वो श्री राम स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल लखनऊ से किया है 2015 सॉरी इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है, पढ़ाई पूरी की है, वो श्री राम स्वरूप मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ से किया है। और इन्होंने अपना करियर जो पहले, इनका फर्स्ट करियर जो म्यूजिक में स्टार्ट हुआ है, वो 2015 में स्टार्ट हुआ है, द वॉइस ऑफ इंडिया म्यूजिक शो के सीज़न 1 में, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला ऑडियंस दिया और इसमें इन्होंने इनको सिलेक्ट कर लिया गया। इससे पहले भी इन्होंने कई ऑडियंस दिए हैं, लेकिन जैसे कि इंसान अपनी लाइफ में कई बार फ्लॉप होता है, कई बार गिरता है, वैसे इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ और ऑडियंस दिए हैं, बट इनको सिलेक्ट नहीं किया गया था। कहने को तो ये भी कहा जाता है, सुनने मिला है कि एक बार इनके किसी भी ऑडियंस से इनकी कुछ दिक्कत भी खड़ी हो गई थी। तो चलिए उसको हम छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं इनका 2015 के सीजन 1 में, द वॉइस ऑफ इंडिया के सीजन 1 में इनका। और किस्मत की बात देखा जाए तो उसी समय परंपरा ठाकुर जी भी इसी सीजन, द वॉइस ऑफ इंडिया के सीजन 1 में भी वो भी आई थी अपना ऑडियंस देने के लिए, और दोनों एक साथ इसी वॉइस ऑफ इंडिया के सीजन 1 में मिली, और इनका दोनों का इसी वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 1 के साथ साथ इनका करियर भी स्टार्ट हुआ। तो सचेत टंडन के बारे में और देखा जाए तो इनका जो रुचि या इंटरेस्ट था वो काफ़ी पहले से ही बॉलीवुड में था, और इन्होंने अपना जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना स्टार्टिंग किया, या म्यूजिकल ड्यू इन 2016 में इन्होंने अपना स्टार्ट किया था। इनका खुद का बताना चाहता हूँ आपसे कि इनका ये खुद ही एक म्यूजिक कंपोज़र भी हैं और सिंगर भी हैं और एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं ये। और
सचेत चंदन और परम्परा ठाकुर, ये दोनों खुद ही म्यूजिक को कंपोज भी करते हैं, सिंगर भी हैं और आज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और अब देखते हैं तो सचेत चंदन जी का जन्म के बारे में हमें आपको बता ही दिया है, और अभी तक जो मैंने बताया था गर्लफ्रेंड्स वगैरह, तो लाइफ तो सबकी है, गर्लफ्रेंड्स वगैरह तो शायद होती हूँ, लेकिन वैसे अभी इनके बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में ऐसी कोई जानकारी ना मिली है, ना तो मैं फेक जानकारी को यूट्यूब पे फैलाना चाहता हूँ। और वैसे भी इनकी जोड़ी काफ़ी दिनों से परम्परा ठाकुर के साथ ही थी, तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगर अब बात करते हैं हम परम्परा ठाकुर के बारे में, तो परम्परा ठाकुर भी इनके जन्म के बारे में बताया जाए तो कभी कभी, जैसे हमारे पुरानी किताबों में पढ़ते हैं हिंदी वगैरह के, तो कभी कभी क्या होता है कि कवि या लेखक के बारे में जन्म का क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी हिडन होती है, या सही जानकारी नहीं मिलती, कोई कहता है यहाँ पे बॉर्न हुआ है या कभी इन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। तो उसी प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि परम्परा ठाकुर नोएडा यानी यूपी में नोएडा में जन्म लिया है, और कई लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ है। तो देखते हैं, चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं परम्परा ठाकुर के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 28 फरवरी 1992 को दिल्ली में हुआ था, जहाँ तक कि मुझे पता है। और इनका जो बचपना था वो सिंगिंग से स्टार्ट हुआ था, इनकी रुचि भी जो थी वो भी सिंगर सिंगिंग से स्टार्ट हुई थी। ये सचेत टंडन और परम्परा ठाकुर ही काफ़ी अच्छे दिल के बचपन से ही थे, क्योंकि ये दोनों लोग क्या करते थे कि सचेत टंडन जो दिल्ली के स्वरूप आराम स्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज यानी कि से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था, और ये एजा म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में ये पढ़ाते भी थे, ये क्या बोलते हैं राम स्वरूप मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ सचेत। इन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्होंने कुछ दिन तक अपना जो पढ़ाई भी की है, मतलब कि टीचिंग भी की है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर की ओर से। और फाइनली ये कहा जाए कि ये दोनों जो थे सचेत चंदन और परम्परा ठाकुर, इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के करियर में इन्होंने सबसे पहले यानी कि पहले ही जैसे इनको कुछ समझ में आया या करियर के रूप में इन्होंने चुना। और यहीं पे सचेत टंडन जो परम्परा ठाकुर जो थी वो अपने एनजीओ में ये बच्चों को फ्री यानी कि फ्री में म्यूजिक के बारे में सिखा रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ह्यूमैनिटी यानी कि हार्ट ह्यूमैनिटी की बात भी यहाँ पर आती है कि दिल के काफ़ी अच्छे लोग थे दोनों लोग, और शायद इसीलिए ये दोनों फेमस भी हो गए हैं काफ़ी। और बात करते हैं परम्परा ठाकुर के बारे में, तो इनका जन्म तो मैंने बता ही दिया 28 फरवरी 1992 को दिल्ली में हुआ था। और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, और इनके पास माता पिता ने इनका काफ़ी सपोर्ट किया, और इनके परम्परा ठाकुर के पिताजी ने भी एक म्यूजिक इंडस्ट्री खोली थी उस समय, जो कि काफ़ी फेमस थी। और पहली अगर देखा जाए जो गुड़ थे परम्परा ठाकुर के म्यूजिक गुड़ थे, जो जो इन्होंने लर्न किया है वो अपने पापा के ही म्यूजिक इंडस्ट्री से इन्होंने लर्न किया है। और परम्परा ठाकुर जो थी जब इनकी शादी हुई है यानी कि 2020 में इनकी शादी हुई थी 27 नवंबर 2020 को, तब इनकी उम्र जो थी 28 साल थी, यानी 28 साल पे परम्परा ठाकुर की जो शादी थी वो हो गई थी सचेत टंडन जी के साथ। और बात किया जाए इनकी, तो बाकी बायोग्राफी तो आप जान ही सके हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों के मर्ज की और करियर के बारे में। तो सचेत और परम्परा जो थे वो काफ़ी अच्छे किस्म के एक सिंगर भी थे एज अ म्यूज़िक कंपोज़र भी थे ये अपनी, और एक लिरिस्ट भी थी, ये गाना भी लिखते थे, गाते भी थे, और इनको क्या बोलते हैं रिलीज भी करते थे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में। और इन्होंने सचेत चंदन और परम्परा ठाकुर की मेहनत आज से नहीं बहुत पहले से आई है, क्योंकि इन दोनों फेमस जोड़ियों ने सबसे पहले एक प्रेम कथा यानी कि एक प्रेम कथा 2017 में भी इन्होंने इस फिल्म में भी गाना गाया है, और भूमि 2017 में जो आई थी, यमला पगला दीवाना फिर से 2018 की फिल्म, बट्टी गुल और मीटर चालू 2018, और पल पल दिल के पास, और कबीर सिंह 2019 जो काफ़ी फेमस मूवी थी और उसमें काफ़ी फेमस हो गई थी ये गाने
में कबीर सिंह के जो फेमस मूवी थी और उसमें 2019 की उसमें उस गाने में भी काफ़ी सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस हुई थी उसी फिल्म में हुई थी। और तानाजी 2020 में एक इनकी फेमस और हिट फिल्में थी जिसकी वजह से ये अपने करियर में आगे बढ़ सकी। और हम बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की, अगर बात करें तो सच्चे टंडन और परम्परा ठाकुर का अपने जन्म तो आपको पता भी होगा, हमने बता ही दिया था सबसे पहले ही। और ये दोनों लोग द वॉइस ऑफ इंडिया के सीजन फर्स्ट में ये दोनों लोग पहली बार मिले थे और दूसरी बार ये दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी इनके यहाँ, क्योंकि जब इनका द वॉइस ऑफ इंडिया के सीजन वन में जब इनका चयन हुआ था तो सीजन वन में वो परम्परा ठाकुर का जो टीम थी, परम्परा ठाकुर को मीका सिंह ने अपनी टीम में ले लिया था, वो इनके टीम में इनका चयन हो गया था। और सचिन टंडन जी का जो था वो था और रश्मिया के टीम में इनका चयन हो गया था। और ये दोनों लोग काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस किए थे उस समय 2015 में द वॉइस ऑफ इंडिया के सीजन वन में, और वहाँ से ही इनका पहला हिट होना और फेमस होना वहीं से स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, बट इनके बारे में मैं फुल जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम पर बने रहिए। अभी मैं आगे और भी इनके काफ़ी हिडन फेमस या इनके फैक्ट्स में बताऊँगा जो आपको नहीं पता होगा। तो आगे बात करें तो इनका जो इन दोनों ने 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा में सुबह की ट्रेन का एक सॉन्ग था जो सचिन टंडन और परम्परा ठाकुर ने मिलकर गाना गाया था, और ये 4 मिनट 14 सेकंड का था जो काफ़ी फेमस था, बहुत अच्छा गाना था, आप सुन सकते हैं। और उसके बाद में 2017 की फिल्म थी भूमि, जिसमें एक गाना था मेरे बाद, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस गाना हुआ था, इसके सिंगर थे पायल देव। बट इसमें क्या था, इनका ये जो भूमिका थी वो लिरिक्स की थी, यानी कि सचेत और परम्परा दोनों ने इस गाने को मिलके लिखा था। मेरे बाद जो था भूमि पिक्चर का फिल्म का गाना, वो सचेत और परम्परा ठाकुर इन दोनों जोड़ियों ने मिलकर लिखा था, जो कि 4 मिनट और 32 सेकंड का गाना था। आगे बात करें 2018 में आई हुई हिट फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से और भट्टी गुल मीटर चालू, ये दोनों 2018 की जो हिट फिल्मों थी। और इसमें क्या था, इस गाना था नज़र बट्टू और भट्टी गुल मीटर चालू का गाना था हर्द हर्द और हर हर गंगे, ये तीनों गाने में जो सिंगर थी वो सचेत टंडन थी, और हर हर दर्द में थी जो उसमें भी सचेत टंडन थी, मिल्खा सिंह भी थे इसमें, और हर हर गंगे में तो अरिजीत सिंह थे। बट देखा जाए तो इसमें लिरिक्स जो थे और लिरिक्स तो कोई और ही था, और ये भी गाना 2:37 का और 3 मिनट 38 सेकंड का था, जिसमें सचेत टंडन जी ने अपना काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। और सबसे ज़्यादा फेमस और हिट होने वाली 2019 की फिल्म थी जो कबीर सिंह की थी, और इसमें तो कमाल का ही धमाका पब्लिक में मचा दिया था। और जो गाना था बेख्याली वर्जन 1 और बेख्याली वर्जन 2, हाँ आपको पता होना चाहिए कि बेख्याली के 2 वर्जन थे, वर्जन 1 और वर्जन 2, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बेख्याली का वर्जन 1 जो था वो सचेत टंडन जी के द्वारा गाना गया था, जो कि काफ़ी मार्केट में हलकम मचा दिया था। और बेख्याली का वर्जन 2 जो था वो अरिजीत सिंह जी ने गाया था। तो कबीर सिंह के फिल्म में आए हुए गाना में ये भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे। और फिर आई थी 2019 की फिल्म थी साहो, जिसमें साइको सैया एक गाना आया हुआ था, साइको सैया भी गाना जो था वो सचेत टंडन और भवानी दानसवाली ने मिलकर गाया था, ये भी काफ़ी अच्छा गाना था। और काफ़ी अच्छी बात तो ये है कि अभी तक मैं जितने भी गाना गाया था वो म्यूजिक इंची सचेत और परंपरा, यानी कि इसका जो म्यूजिक था वो भी सचेत और परंपरा जी की ही थे। कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने हर इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के रखा है, यानी कि एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, हर चीज़ों में इन्होंने अपना कदम बढ़ा के रखा है, और काफ़ी अच्छी मेहनत से इन्होंने काफ़ी अच्छी मुकाम पर हासिल किया है। और आगे बात करते हैं, अगर तो 2020 में स्ट्रीट डांसर 3D आई थी जिसमें मुकाबला गाना था, काफ़ी अच्छा था, और उसका इसमें भी परम्परा ठाकुर भी शामिल थी। तो ये सब इनकी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरियाँ थी। और आगे भी बात की जाए तो इनके लाइफ के आगे भी बात की जाए इनके लाइफ के बारे में, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे हद तक अपनी कामयाबी हासिल की।
म्यूजिक इंडस्ट्री कंपनी में इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और अपने मुकाम को हासिल किया अपनी मेहनत के दम पे। और देखा जाए और इन दोनों की जो शादी हुई थी, फिर लास्ट में इन दोनों ने शादी कर लिया सन 2020 में 27 नवंबर को, और तब से अभी ये हिट ही हैं और हिट ही रहेंगे। और थैंक यू, अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली हो, जानकारी इनके बारे में फैक्ट्स तो बहुत हैं बट बताने बैठूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो या कोई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।